नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन स्टोरी लेकर आई हूँ, ज्योतिष और अध्यात्म। देखिए, ज्योतिष जो है वो अपने आप में एक कला है। मैंने अपने कई वीडियोस उल्लू से रिलेटेड भी बनाई हैं। वो सब ज्ञान जो है वो एक कला है, ज्ञान है, जो संसार में रहकर हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे से जानते हैं। लेकिन अध्यात्म वो है जो संसार से हटकर है, परमार्थ में है। संसार से हटकर ज्योतिष आपको ये बता देगा कि चलो, आपको एक बार ये भी मान लें कि ये भी बता देगा कि आप मरने वाले कब के हैं। लेकिन अध्यात्म आपको मरने के बाद क्या होगा वो तक बता देगा। ऐसी एक छोटी सी स्टोरी महावीर के लिए आती है। महावीर और उनके एक शिष्य थे गोशालक, जिनमें हमेशा विवाद रहता था। गोशालक अच्छे ज्योतिष जानकार थे और महावीर तो अध्यात्म में उनका तो कोई बराबर नहीं है। लेकिन एक बार ये दोनों एक गांव से निकल रहे थे। जब ये गांव से निकले, रास्ते में इन्हें एक जगह पर जब विश्राम करने लगे, तो वहां पर गोशालक की नज़र वहीं छोटे से एक उगते हुए पौधे के ऊपर पड़ी। गोशालक हंसने लगा और उसने महावीर की तरफ देख के कहा कि आपको क्या लगता है ये पौधा कितने समय तक जीवित रहेगा? महावीर ने एक मिनट के लिए आंखें बंद की। उन्होंने कहा, अभी इसकी मृत्यु नहीं है, इसने बहुत समय तक जीना है। लेकिन गौशालक जो था वो कहता, लेकिन मेरा ज्योतिष कह रहा है कि ये पौधा अभी इसी वक्त ख़त्म हो जाएगा। और ऐसा कहते हुए उसने हंसते हुए उस पौधे को जमीन से बेदर्दी से उखाड़ा और फेंक दिया। जब उसने ये काम किया तो महावीर मुस्करा दिए, लेकिन गोशालक जो था वो जोर जोर से हंसने लगा। अब ये लोग यात्रा कर रहे थे, सो ये वहाँ से आगे निकल गए। लेकिन जब थोड़े ऐसा करते करते इन्हें 7 दिन हुए, 7 दिन बाद इन लोगों की वापसी जब हो रही थी, तो बाई चांस ये उसी गांव से जब वापस निकल रहे थे, तो इन लोगों ने अपना विश्राम की जगह वही जगह बनाई जहाँ इन्होंने लास्ट टाइम विश्राम के लिए जगह बनाई थी। जब ये वहाँ विश्राम करने लगे तो गोशालक एक मिनट के लिए चौंक गया, हैरान हो गया कि जिस पौधे को वो उखाड़ कर फेंक, जिस जगह पे फेंक के गया था, वो पौधा उसी जगह दोबारा उगाया है और अब हैरानी की बात है उसके ऊपर फूल भी उगाया है। गोशालक की हैरानी के मारे आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कहा, ये कैसे हुआ? उसने महावीर की तरफ देख कर कहा, ये कैसे संभव है? तब महावीर ने कहा, तुमने इसका आज का पल देखा, अब देखा मृत्यु का समय देखा, लेकिन मैंने अपनी अध्यात्म दृष्टि से इसका आत्मबल देखा। इस पौधे में जो जीने की अभी तीव्र इच्छा है, इसका आत्मबल इतना स्ट्रांग है कि ये पौधा अभी मर ही नहीं सकता, इसलिए मुझे पूरा यकीन था कि ये पौधा नहीं मरेगा। और इस दरमियान हम लोग, लेकिन अब ये गौशाला ने पूछा, लेकिन ये हुआ कैसे? भला जब हम लोग यहाँ से निकल गए थे तो यहाँ तेज बारिश आई, इतनी बारिश कि मिट्टी अपने साथ लाती हुई इस पौधे को भी इसी जगह पर उसने, मिट्टी ने अपने जगह दी और ये पौधा वापस खड़ा हो गया। मिट्टी उपजाऊ है, फूल भी निकल आया। गोशालक बोला, लेकिन ऐसा कैसे संभव हो सकता है? जिस पौधे को मैं उखाड़ कर फेंक गया हूँ और अब मैं दोबारा भी इसे उखाड़ कर फेंक सकता हूँ? तब महावीर मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम कोशिश करके देख लो। लेकिन गोशाला की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो उस पौधे को दोबारा उखाड़ कर फेंकता। वो हतप्रभ सा, हैरान सा होकर उस पौधे को देखता रहा, पर इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि उस पौधे को उखाड़ कर फेंक देता। अब ये दोनों जब हंसने लगे, जब ये दोनों फिर निकलने लगे, तो इस बार महावीर हंस रहे थे और गोशालक जो है वो उनसे पूछा, आप क्यों हंस रहे हैं? तो महावीर ने कहा, तुम एक पौधे से हार गए। पौधे का आत्मबल इतना स्ट्रांग था कि तुम भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। अभी अभी जो ये सुशांत की सुसाइड केस हुआ है, कहीं ना कहीं एक आत्मबल की कमजोरी थी। अगर वो अपना आत्मबल स्ट्रांग करते, जो भी परिस्थिति उनके सामने आई थी उसे वो सहन करते,
तो यकीनन वो अभी बहुत अच्छा आगे तक जाते। उनकी डेथ से ही मुझे ये स्टोरी ध्यान में आई, सो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आप लोग भी स्वस्थ रहें, स्ट्रांग रहें, सेफ रहें। धन्यवाद।